हेलो दोस्तों, आप सभी को चिली तड़का में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई प्रॉन करी। इसे हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम प्रॉन। इसको पहले से धोकर साफ कर लिया था। अब इसमें नमक, स्वाद के हिसाब से नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हो गया है। अब चलते हैं प्रॉन को फ्राई करने। गैस ऑन करके एक कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद तेल डालेंगे प्रॉन को फ्राई करने के लिए। एक बड़ी चम्मच तेल डाला है। अब इसमें प्रॉन डालेंगे फ्राई करने के लिए। प्रॉन फ्राई हो गया है। इसको एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। वही कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे। 1.5 बड़ी चम्मच तेल डाला है। ग्रेवी के लिए थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया है। खड़ा मसाला में मैंने लिया है 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और 3 छोटी इलायची। इसको दरदरा पीस लेंगे, दरदरा कूट लेंगे। अब तेल गरम हो गया है। इसमें 2 छोटी तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा और कुटी हुई खड़े मसाला को डालेंगे। थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज को। 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल जाने तक थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को भुनेंगे। मसाला जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा पानी डाल के भुनने से। अच्छे से कुक भी हो जाएगा। अब इसको कवर करके 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब देखिए साइड से तेल ऊपर आ गया है, मतलब हमारा मसाला कुक हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई प्रॉन को। प्रॉन को मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाला है कट करके। आपको तीखा पसंद नहीं तो ऐसे ही बिना कट किए डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क।
मैंने यहाँ पे 100 ml कोकोनट मिल्क डाला है, घर पर बना हुआ। आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। अब हमारा प्रॉन मलाई करी हो गया, रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और कटी हुई धनिया पत्ता डाल के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। आप घर पर कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। 2 कप ग्रेटेड कोकोनट को 1 कप पानी के साथ डाल के मिक्सी में पीस सकते हैं या हाथों से मसल कर छन्नी में छान कर मिल्क तैयार कर सकते हैं। अब रेडी हो गया हमारा मलाई प्रॉन करी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।